से निकल गए थे घूमने और शाम हो चुकी थी और बहुत ही प्यारा व्यू था। तो हम लोग निकले थे घूमने अब, और पहले अभी हम जा रहे थे चाची को पिक करने उनकी शॉप पे, क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे थे और हम लोग घूम रहे थे। आप लोगों ने देखा वो हमारे साथ नहीं थे, तो अभी हम उनके पास जाएंगे, शॉप भी देखेंगे, वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे घूमने आगे। तो इतना प्यारा व्यू था, मुझे कैप्चर करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वाव, पंजाब की बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि बादल ना मतलब ज़मीन को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, इतना प्यारा व्यू था। सो हम पहुंच गए थे चाचू की शॉप पे, इनकी शॉप का नाम है SS कलेक्शंस। ये है हमारे बिल्कुल रोड साइड पे है, और दरौली बस स्टैंड, जो भी लोग दरौली से हैं, आनंदपुर से हैं, तो वहाँ पे है ये इनकी शॉप। यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, ऑल टाइप्स ऑफ वुमेन वेयर्स, हर तरह की इंडियन वेस्टर्न, जो भी ज्वेलरी से लेके लहंगा से लेके सब कुछ। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी और बहुत ही सुंदर शॉप है, और वैरायटीज़ भी बहुत बहुत सुंदर है। सो हम अंदर एंटर हो गए थे और सो मेरे चाची हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, वो शॉप भी संभालते हैं, उसके साथ साथ वो करते हैं स्टिचिंग भी। आप हर तरह का डिज़ाइनर सूट बनवा सकते हो, ड्रेसेस। और ये हमारे चाची जी जो कभी रेस्ट नहीं करते। तो हम लोग एंटर हो गए थे शॉप में और हम देख रहे थे वैरायटीज़ ही वैरायटीज़। तो फर्स्ट इम्प्रेशन वाज लाइक वाओ, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने शॉपिंग भी करी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और नॉडी भी बैठ गया था अपनी सीट पे, और यहाँ पे किकी हो गई थी मस्त। आपका यार ना ना करी दे ना कलम्बे सब भी रहे पुत्ता लाने में जो ज्यादा काम पाना कि ना लाने में। तो चाचू कर रहे थे काम, लेकिन धर्मिका उनको काम करने नहीं दे रही थी, और मैं बोल रही थी कि चाचू की एक हॉबी है, कोई भी बच्चे होते हैं जब उनको बड़ा प्यार आता है ना तो उनकी नोज़ खींच लेते हैं। तो मैं धर्मिका को बोलती कि बेटा नाना आपकी भी नोज़ ही ना खींच खींच के लंबी कर देंगे। सो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने शॉपिंग भी करी, मैंने नहीं मम्मा ने भी करी, हमने अपने लिए, मम्मी ने अपने लिए और मेरे लिए और भाभी के लिए लिए ये प्यारे प्यारे से कपड़े। मैंने अपने लिए कुर्ते और भाभी और मम्मा ने लिया अपने लिए सूट। ये देखो कितना सुंदर वर्क हो रखा है इस पे, और कलर्स भी वाओ, और साइज़ भी एकदम परफेक्ट। और यहाँ देखो धनविका ने फिर से खलारा डाल दिया। तो फिर चाची को पिक करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे घूमने के लिए। और अब नॉडी का प्लान था कि हम लोग जाएंगे शिव मंदिर और उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारे। तो हम पहुँच गए थे मंदिर। सो आपको पता ही है मंदिर पहुंच के किकी हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश, और यहाँ पे भी वो सबको लग गई थी आशीर्वाद देने। करेगी करेगी मामू को भी, मामू को करो, ये नानी माँ को, छोटी नानी माँ को। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गुरुद्वारे मत्था टेकने। और ये देखो चाची भी हमारे साथ थे अब, नॉडी, विवेक, विवेक की स्माइल, मम्मी, धनविका और चाचू, और ख़ुद को कैप्चर करना भी बनता है, मैं भी थी। सो गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता है हम सबको, हम जाते हैं यहाँ पे, मन को बहुत शांति मिलती है। और यहाँ पे धन्विका लगी थी मत्था टेकने, उस औरों को देख के जैसे सब करे जा रहे थे। अब उसने अपने नाना को देख लिया, नाना क्या कर रहे हैं, अब वो सेम कॉपी करेगी नाना को, ये देखो। तो यहाँ किकी ने वो रुमाल जिसे उसका सर ढका हुआ था उसने वो निकाल के फेंक दिया था, और मत्था टेके जा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बांधा, और यहाँ पे किकी बन गई थी फ्रॉग। बस जा रहे हो आप मेंढक बन के। तो मुझे चाचू चाची ने बताया कि ये गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, जो भी लोग आनंदपुर साहिब जाते हैं दर्शन करने वो यहाँ से भी दर्शन करके ज़रूर जाते हैं।
तो अब हमारे दर्शन हो चुके थे और किकी की यहाँ भी हो गई थी भाग दौड़ शुरू, वही अपने मज़े, इसके अपनी गेम चलती रहती है। और इसके बाद हम लोग सीधा जा रहे थे लंगर चखने, तो हम लोग गए अंदर और हमने खाया प्रसादा और हमें बहुत मज़ा आया। पता नहीं मैंने तो कितने टाइम बाद गुरुद्वारे गई और लंगर चखा होगा। सो उसके बाद हम पहुंच गए थे घर और अब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे। घर पहुंचते ही हमने हमारी पड़ोसियों साथ गप्पे और फिर हमने एंजॉय करा पिज़्ज़ा। और उसके बाद नॉडी ने दी हमें ब्रीफिंग कि वो हमें कहाँ कहाँ घुमाने ले गया था आज हम आज। लोग थे दरोली गांव में नियर अनंतपुर। आनंदपुर। तो नॉडी ने हमें सारा गांव घुमाया और हम लोग मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, बहुत सारी जगह गए। अब हमें नॉडी बताएंगे हम कहाँ कहाँ गए थे। तो अब नॉडी हमें सारा कुछ एक ब्रीफिंग देंगे इस चीज़ के लिए। तो हाय नॉडी। हाय, हेलो यस फ्रेंड्स, दिस मी शाजू ठाकुर। आई विल टेल यू अबाउट वेयर आई हैव गॉन। फर्स्ट आई हैव गॉन टू टेम्पल, नैनामाता टेम्पल, देन खाटू श्याम टेम्पल, देन आई एंजॉय वेरी मच, एंड देन वी आर गॉन टू गुरुद्वारा। गुरुद्वारा भोलेनाथ टेम्पल, यू एंजॉय वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। सो मैंने नॉडी को दे दिया था कैमरा व्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली मुझे पता चला था उसका एक हिडन टैलेंट कि उसे भी शौक है ब्लॉगिंग करने का, तो वो भी जब उसे टाइम लगता है तो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। और यहाँ पे फिर मैंने अब बोला उसको कि मेरी ऑडियंस को बताए सबका इंट्रोडक्शन। ठाकुर ओके देन मी यस देन माय ये बिग सिस्टर Yes. सिस्टर Name? निशा ठाकुर। ओके हाँ हाँ तू नाम ले मेरा। चीजी धर्मिका कौन है? धर्मिका कौन है आपकी? सिस्टर नहीं है ये, स्मोन नी सुई है आपकी भांजी। ठीक है आप है मामू, तो मामू की हुई है भांजी। ठीक है देन अब किसको इंट्रोड्यूस? ताई जी को। ताई जी की इंट्रोडक्शन में नॉडी चुप हो गया था क्योंकि उसे ताई जी का नाम याद नहीं आ रहा था। ये है हम मेरी मम्मी श्रीमती श्रीमती आगे ज्योति ठाकुर। ओके और अब ये रहते हैं, ये कौन है? है नोडी। हेलो ये कौन है नोडी? ये कौन है? आई नो मैं मिल चुका हूँ पहले भी। ओके लगता क्या है? सो बेसिकली क्या था कि हम सब नॉडी के साथ मारे थे गप्पे और विवेक मिले थे पहली बार, तो वो सारा इंट्रोडक्शन दे रहा था सबके बारे में अपने जीजू को। और यहाँ पे नॉडी को एक मौका भी मिल गया था ब्लॉग में आने का, दीदी के ब्लॉग में। और यहाँ पे धन्विका ने कर दी थी मामू के हाथ में राइटिंग शुरू और विवेक ने नॉडी के हाथ में लिख दिया था मामा और धन्विका उसके आसपास बना रही थी डिज़ाइन। सो सुबह हो चुकी थी और अब हम लोग जा रहे थे फाइनली घर और चाचू चाची जा रहे थे शॉप वॉप खोलने और हम लोगों को ड्रॉप करने भी जा रहे थे। तो अब यहाँ पे मम्मी भी बोल रहे थे हीरो को बाय बाय और हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। सो इस बार घर जाना भी था थोड़ा सा एक्साइटिंग क्योंकि हम लोग जाने वाले थे बाय बस चंडीगढ़ के लिए। और यहाँ पे चाचू ने ओपन कर दी शॉप और किकी कर रही थी जय, जैसे चाचू ने शॉप ओपन करने से पहले जय किया होगा तो वो भी कर रही थी जय। सो
सो यहाँ पे हम लोगों ने ले ली थी बस और हम जा रहे थे चंडीगढ़। और धन्विका का ये फर्स्ट टाइम था कि वो बस से ट्रैवल कर रही थी, वो बहुत परेशान हो रही थी। मुझे और धन्विका को तो सीट मिल गई थी, पर मम्मी और विवेक जा रहे थे खड़े खड़े। धन्विका बस में बिल्कुल नहीं बैठना चाह रही थी, मेरे को बहुत तंग कर रही थी, फिर इसको बड़ी मुश्किल से बिठाया हुआ था। और इसके बाद हमने ले ली थी दूसरी बस और यहाँ पे धन्विका कर रही थी मुझे तंग। सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, धन्विका बड़ी मुश्किल से बिठा रखा था उसको, उसको पोइम वगैरह लगा रहे थे। और फिर आप देख ही सकते हैं उसके बाद हमने ली तीसरी बस जिसमें धन्विका थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने ली कैब घर के लिए और यहाँ पे धन्विका थी बहुत ज़्यादा खुश। सो तीन बसें चेंज करने के बाद हालत ऐसी हो गई थी कि खुद की शक्ल देख के ही हंसी आ रही थी। और धन्विका देखो सबसे ख़तरनाक तो ये लग रही थी। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे घर और यहाँ पे धन्विका की वही ज़िद, उसको भी कुछ उठाना है और खुद चल के जाना है रूम तक। तो ये देखो नानी ने उसको अपना पर्स पहना दिया था और नानी ने उठाया था विवेक का लैपटॉप। कम कम, यस बेटा कम, I'm coming. सो फाइनली कीकी भी थी बहुत ज़्यादा खुश, वो भी पहुँच गई थी घर दो दिन के बाद। और हम लोगों ने अपना वीकेंड किया बहुत ज़्यादा इन्जॉय चाचू चाची और नॉडी के साथ। सो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।